Hi everyone, welcome to the online platform of Gurukul. Here is a surprise for you all. The काफी students, काफी aspirants, they see the wait कर रहे थे group A officer level की vacancies दी. तो PPSC ने अपन को एक surprise देता है, जिन्हें बच्चों ने group A principal की vacancies out करी आने. तो काफी candidates, काफी aspirants, SC की काफी wait कर रहे थे. Last time दो बार exam होया PPSC दा, जिन्हें बच्चे headmaster थे, principal की vacancies out हुई थी. ऐसे और कलियां principal दिया 119 vacancies निकल के सामने आई हैं. 119 वैकेंसीज जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं सीनू जो परसन ऑलरेडी प्रेपरेशन पहला कर चुके ने या फिर एट प्रेजेंट करेंगे वो सारे दे सारे इना सोचना इक्वल ने एट प्रेजेंट ऐसा सोचना मतलब वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके सी आप नवी करन जा रहे हैं तो ऐसा तो कोई टेंशन लेने की लड़ नहीं है ना. तो एट प्रेजेंट एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के अपने सामने आई है. पीपीएससी ने बहुत ही वड्डा सरप्राइज दिता है अज आप ते आज दे दिन तो ही अपा अपनी स्टडी नू फोकस करके स्टार्ट करिए तो बेटर रहेगा. तो थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नोटिफिकेशन बारे दे देना पहला भी की वैकेंसीज ने किनिया वैकेंसीज है की प्रोसीजर रहेगा एग्जाम की रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस की रहेगा वो सारा आप देख लें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीपीएससी के अंडर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है. गुड न्यूज है फॉर यू ऑल. प्रिंसिपल दी जो नोटिफिकेशन आउट हुई है ग्रुप ए दी वैकेंसीज 119 वैकेंसीज 119 वैकेंसीज अपने को निकल के आई है 119 वैकेंसीज अपने को निकल के आई ने. तो 119 वैकेंसीज बहुत ही अच्छा नंबर है. दैट मीन्स तुम समझ सकते हो दो बार ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुकी है एंड थर्ड टाइम अपने सामने प्रिंसिपल दी वैकेंसीज आ रही ने. तो एट प्रेजेंट तुम्हें पता पहला जी वैकेंसीज आई सी तो कुछ दिक्कत करके रिजल्ट पेंडिंग है या कुछ भी है. एट प्रेजेंट अपने को टाइम इन्ना है तुम्हें पता है न्यू गवर्नमेंट आई है तो न्यू गवर्नमेंट आ रही है मतलब आने वाली है. तो उन्हें तो पहला पहला इन्होंने वैकेंसीज बहुत ही जल्दी निकाल के एग्जाम लैके रिजल्ट निकाल देना. तो 119 वैकेंसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को हैगी है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे तुसी देख सकते हो अपने को जेड़ा 119 पोस्टा निकल के आई ने 119 वैकेंसीज निकल के आई ने ग्रुप ए दी. मैं फिर कह रहा ग्रुप ए दी काफ़ी जिन्होंने वेट सी काफ़ी जिन्होंने ऑफिसर लैवल की मतलब फर्स्ट ग्रेड की ग्रुप ए की वेट से तो उही अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपन दी है. पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर कंडक्ट करेगा जो लास्ट टाइम दोनों टाइम जिन्होंने कराया जी. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 119 पोस्टा वास्ते उन्होंने डिमांड रखी है. तो एंड मैं ये भी दस दिना बहुत ही अच्छी चीज़ 119 का तीसरा हिस्सा जिम्मे अपन पता है 1/3 अजक रिजर्वेशन चल रही है 33% वूमेन तो अपने को अराउंड एंड 39 वैकेंसीज ओनली फॉर वूमेन है. फीमेल रिजर्वेशन अपन पता है वूमेन रिजर्वेशन चल रही है तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपन ये अपॉर्चुनिटी दी है. जी फीमेल कैंडिडेट्स है उन्होंने रिजर्व सीट्स ने किनिया सीट्स ने 39 सीट्स रिजर्व ने मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग से भी होगा सिर्फ वूमेन 39 ने नहीं वूमेन 39 तो रिजर्व ही ने बाकी सारिया जड़िया वैकेंसीज ने ओपन है. दैट मीनस अगर मार्क्स अच्छे आते हैं एंड 39 तो आप दूसरे के काउंट होवे. ठीक है तो ये अपन टोटल वैकेंसीज है 119 वैकेंसीज है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोड़े सामने है तो 39 जड़िया है ये अपने को फीमेल रिजर्वेशन वूमेन रिजर्वेशन अपने को है. ओके दैन अगे होर थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मैं देता एस सी जी अपनी वैकेंसी को लेके काफ़ी जन के दिमाग चल रहा है. देखो एक चीज़ मैं क्यों कह रहा पेपर थोड़ा इन्नी ज़्यादा स्पीड के होएगा इन्नी ज़्यादा जल्दी होएगा तो सोच ही नहीं सकते कि रीज़न की है. एक चीज़ तो पता लगता आपको अपना जोड़ा ऑनलाइन प्रोसैस है कदों स्टार्ट हो रहा है. ऑनलाइन प्रोसैस 20 तरीक तो स्टार्ट हो रहा है 20 तरीक तो स्टार्ट हो रहा है. अगर 20 तरीक तो अपना ऑनलाइन प्रोसैस स्टार्ट हो रहा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है लास्ट डेट कि 27 बहुत ही रेयर एग्जाम अजे होंगे है जिंदे सिर्फ 7 दिन दिते जाते हैं. तो इतने एक हफ्ता मिले अपन अप्लाई करने लिए दैट मीनस तुम समझ सकते हो एक हफ्ते अप्लाई होएगा मैक्सीमम टू मैक्सीमम एक महीना अपन दिता जाएगा. उन्हें तो बाद एक महीना लगा लो 30-40 दिन 45 दिन मैक्सीमम टू मैक्सीमम एग्जाम तुहाडे सामने होएगा. मैं श्योरली कह रहा पीपीएससी एट प्रेजेंट एनी स्पीड नाल एग्जाम रहेगी जिस हिसाब उन्होंने डेट दी है. अदरवाइज ऐसी डेट कदे भी देखने नहीं मिली 20-27 मतलब 20 फीलिंग स्टार्ट हो रही है 27 खत्म है. दैट मीनस अपने को अगले महीने ही अपना की आ जाएगा एग्जाम आ जाएगा. दैट मीनस तुम समझ सकते हो आपको कितनी ज़्यादा लोड है अज तो शुरू करन दी. तो आ डेट नू जरूर फोकस करना तो आ डेट विद इन डेट तुम पहला तो फॉर्म फिल करना सब तो पहला काम तो आ ही है. तो उन्हें तो जरूरी काम पहला आपको पता होना चाहिए अपना सारा सिलेक्शन प्रोसैस होएगा कि देखो काफ़ी स्टूडेंट्स डाउट है लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आउट हुई सी उन्हें भी सेम प्रोसैस रहा इस बार भी सेम प्रोसैस है
प्रोसेस सेम है, की प्रोसेस है, अपना एग्जाम होएगा, एग्जाम दे तुहानू मैं सब्जेक्ट दसदा कि आने वाले ने, एग्जाम तो बाद अपना लास्ट सैकेंड स्टैप रहेगा इंटरव्यू, मतलब सैकेंड दो स्टैप होंगे, फर्स्ट स्टैप ते सैकेंड स्टैप, फर्स्ट स्टैप दे अपना एग्जाम होएगा, एग्जाम पैटर्न कईयां दे माइंड दे विच चल रहा होएगा की होएगा, फर्दर नैक्सट स्लाइड दे विच तुहानू मैं वह भी इंट्रोड्यूस कर देना भी किदां दा तुहाडा एग्जाम रहने वाला है। हजे तक उन्होंने स्पैसीफाई कोई सिलेबस नहीं दिता, फिर भी आप 100% दस सकते हैं भी किदां दा एग्जाम आएगा। तो हूँ एग्जाम तो पक्का ही है, नाल दी नाल इंटरव्यू है, काफ़ी दे दिमाग चलता है इंटरव्यू है या नहीं, तो इंटरव्यू भी है नाल दी नाल। ओके, दैन वट अबाउट एग्जाम पैटर्न, सिलेबस दे विच की रहेगा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस दे विच की रहेगा। देखो जिहड़ा फर्स्ट टाइम एग्जाम होया सी, तुहानू मैं उहदे विच दसदा पहलां, जिहड़ा फर्स्ट टाइम एग्जाम होया सी उहदे विच दो ही चीज़ां सी अपने कोल, वो दो चीज़ां कि तुहानू भी पता है, फर्स्ट वन इज़ जीके, सैकेंड वन इज़ रीजनिंग, सिर्फ दो ही चीज़ां सी, सैकेंड वन इज़ रीजनिंग। लेकिन जिहड़ा सैकेंड एग्जाम होया, दूसरा एग्जाम होया, उहदे विच जीके रीजनिंग तां आई नाल उन्होंने की रखता सी अपने कोल लैंग्वेजेस कि फर्स्ट वन इंग्लिश, सैकेंड वन पंजाबी, प्लस अपना कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुछ डाटा सी, न्यूट्रिशन वगैरह से या एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ छोटे मोटे टॉपिक से, मतलब अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपॉइंट हो जा रहा है, दैट मीनस उन्होंने बारे अपन नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो यह पैटर्न रहा, 99.9% उम्मीद है इट विल बी द सिलेबस फॉर योर एग्जाम, आही सिलेबस रहेगा। बट एक चीज याद रखना, रीजनिंग का मतलब इतने रीजनिंग नहीं है, मैंटल एबिलिटी है। तो इन्हे फर्स्ट एग्जाम दे विच भी मैथ आया सी, सेकंड दे विच भी मैथ आया सी, ते जिन्हां दा मैथ अच्छा सी ओह तां एग्जाम 100% निकल गए सी, बाकी सिलेबस जिहड़ा हैगा सी ओह तां सारयां ने बराबर प्रिपरेशन की, लेकिन कल्ले काफ़ी जणयां ने कल्ली रीजनिंग दी की, मैथमैटिक्स उपर ख्याल नहीं किया। अपना मेन मोटिव आही रहेगा, आपां नाल दी नाल मैथ भी करांगे, रीजनिंग अकेली करन दा कोई फायदा नहीं है, जो तक आपां मैथ नहीं करांगे आपां एग्जाम क्वालीफाई नहीं कर पावांगे। ठीक है, तो अपने कोल आ सिलेबस 99% उम्मीद है आ सिलेबस रहेगा। तुहानूं मैं एक चीज़ होर भी दस दां, जिहड़ा अपना सिलेबस हैगा जीके वाला जिन्ना भी सिलेबस हैगा, फर्स्ट टाइम जिहड़ी हैगी सी ना जीके, जिहड़ा फर्स्ट पेपर होया सी उहदे विच सिर्फ ते सिर्फ मॉडर्न हिस्टरी हैगी सी, ते पंजाब हिस्टरी हैगी सी, ते नाल हैगी सी पोलिटी, ते नाल सी इकोनमी, ते नाल सी एनवायरमेंटल साइंस, ते करंट अफेयर आ पोर्शन सी। बट सैकेंड एग्जाम दे विच उन्होंने मॉडर्न हिस्टरी की जगह पर फुल हिस्टरी करती, पूरी हिस्टरी है, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न पंजाब एवर जो भी है, पॉलिटी पूरी तो उवें, इकनोमिक्स होवे, नाल उन्होंने ज्योग्राफी ऐड करती, एनवायरमेंट करंट उवें दा उवें, दैट मीनस उन्होंने सैकेंड टाइम सिलेबस इनक्रीज करया सी, इस बार भी पूरी उम्मीद है सिलेबस आ ही रहेगा, न्यू पैटर्न रहेगा, बिकॉज उन्होंने को इन्ना टाइम आई थिंक सो नहीं होएगा भी वह सिलेबस को दोबारा चेंज कर सकन। बट फिर भी अगर होंगे तो आप उही सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना, बिकॉज अपनी जी प्रोसैस रहेगी, आप प्रोसैस किदा करांगे, जी थोड़ी क्लासिस स्टार्ट हो जा रही है उनकी इनफॉर्मेशन भी तुम्हें मैं दे देना, जिहड़ियां रीसेंट असं क्लासिस स्टार्ट कर जा रहे हैं, स्पैशल बैच उन्हें आप सब तो पहला आही टॉपिक स्टार्ट करांगे। सब तो मेन चीज़ जो स्टूडेंट्स को डाउट होंगे, जो स्टूडेंट डर होंगे मैथमैटिक्स, सैकेंड वन इज रीजनिंग, सैकेंड वन अपने को है रीजनिंग, थर्ड वन अपने को चलेगी अपनी जीके दे विच हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, एंड फोर्थ वन इज़ करंट अफेयर, द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन फॉर टूडेज एग्जाम, आज के एग्जाम्स लिए सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे करंट अफेयरस, इवन कि जीके का डाटा भी सारा करंट अफेयर तो ही आता है, जो करंट अफेयर चल रहा है उतो ही जीके पूछ रहे हैं सारे से सारी, दैट मीनस आप सब तो पहला आ वाला पोर्शन स्टार्ट करांगे, होपफुली आ ही नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, 120 क्वेश्चन जो हर बार रहेंगे है, तो 120 क्वेश्चन की डिवीजन आप देख लेंगे जो विद इन 1-2 डेज उन्होंने सिलेबस देता, विद इन 1-2 डेज या अज या कल थोड़े को सिलेबस आ जाएगा फुल उम्मीद है, तो उदा ही आप स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सब तो पहला अपने आ 4 टॉपिक ही स्टार्ट होंगे जेडे मेन है। तो एक चीज़ होर दसदा, इन्हों स्टार्ट करना है, तुम सिलेबस देख लिया, इन्हों स्टार्ट करना आप टाइम नाल, तो ये सिलेबस की टेंशन लैन की लड़ नहीं है, जो गुरुकुल की टीम थोड़े नाल खड़ी है, हर वार तरह जिन्हिया सिलैक्शन आप दतिया पहला तो पता होएगा, सबनों पता होएगा जी अपनी पहला नाम से अकैडमी का, पहला आप कम कर रहे ज्ञानम अबोहर के नाम तो, पहला आप कम कर रहे कि नाम तो ज्ञानम अबोहर के नाम तो, एट प्रेजेंट आप ज्ञानम अबोहर के नाम तो नहीं कम कर रहे, तो एट प्रेजेंट आप कम कर रहे गुरुकुल अबोहर के नाम तो, गुरुकुल तो सारा स्टाफ उही टीम उही क्वालिटी उही रिजल्ट उही सारे दे सारे, तो लास्ट जिंदियां सिलेक्शन आप दतिया ने खास करके तुहाडे एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच अपने इधर प्रिंसीपल हैडमास्टर HTCHT 17 प्रिंसीपल 53 47 28 सेंटर हेड टीचर CST, मतलब एनिया सिलेक्शन बहुत रेयर अकैडमी के निकलदिया ने, वो भी इन्ने अच्छे लैवल के एग्जाम से, मतलब PPSC का एग्जाम है, अगर एनिया सिलेक्शन निकल के आ रही हैं बहुत अच्छी गल है, तुम्हें भी पता है बहुत अच्छा लैवल होंगे PPSC के एग्जाम का, वो लैवल अचीव करने वास्ते असी हाँ, असी तुहाडे नाल जुड़े हाँ,
प्रॉपर ए टू जेड सारा सिलेबस, प्रॉपर ए टू जेड। छोटे तो छोटा पॉइंट कवर होएगा, बड़े तो बड़ा पॉइंट, प्लस प्रैक्टिस सेशन होंगे सारे दे सारे, प्लस डाउट सेशन होंगे। जो जो टॉपिक होंगे सब तो वड्डी चीज होंदी है, उनके एमसीक्यूस ते डाउट सेशन वो तुहाडे नाल दे नाल चलणगे, ठीक है। तो सिलेक्शन तुसीं दा लास्ट तुहानू पता ही है, वैसे ज्यादा दसण दी लोड़ नहीं है, तुसीं नेम सुनिया ही होएगा नो डाउट। ज्ञानम अबोहर दे नाम तो सिलेक्शन लैनिया गई ने, तो गुरुकुल क्वालिटी उही है, मैं फिर कह रहा टीचर्स उही ने, सारी क्वालिटी मेनटेन्ड है, फुल मेनटेन्ड। ओके, तो इन्ना रिजल्ट तुहाडे सामने है, पूरे पंजाब दे विच कह सकदे हो अपने, इवन की एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं कल्ला ये नहीं कह रहा पीपीएससी, तुसीं अपने पीटेट ते आजो, सीटेट ते, मास्टर गेट ते, जिन्ने भी एग्जाम है हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन अपनी, तुहानू पता होएगा। ईवन की टोपर पंजाब दे टोपर जिवें एसएसटी मास्टर गेट, इंग्लिश मास्टर गेट, साइंस, हिंदी, पंजाबी, मतलब ऑल ओवर पंजाब दे विच अपनी सब तो ज्यादा सिलेक्शन है, मैक्सीमम सिलेक्शन ने। तो तुहानू सिलेबस दे रिगार्डिंग किसी तरह की टेंशन लैन की लोड़ नहीं है, जो तक गुरुकुल की टीम तुहाडे नाल है, ठीक है। तो तुहानू मैं कुछ इनफॉर्मेशन दे दिंदा, जिहड़ी अपने बैचेज ने एंड दे विदिन टू डेज स्टार्ट हो जा रहे हैं, 31st of August तो अपना सैशन स्टार्ट हो जा रहे हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो गई 31st of August, डेट नोट डाउन कर लेना दोनों ही। ऑनलाइन जो लगाना चाहते हैं ऑफलाइन, लास्ट टाइम ऑनलाइन भी काफ़ी परसन ने ज्वाइन किया, इस बार भी ऑनलाइन बैचेज भी चलन। एक चीज़ तुम होर दसदा, ऑनलाइन सैशन चलन लाइव, ऑनलाइन लाइव सैशन चलन सारे के सारे, बिकॉज लाइव सैशन के ना दिन डाउट प्रोपर क्लीयर होंगे, स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ नहीं बसता, ठीक है। तो लाइव सैशन चलन कि अपने सारे के सारे, चाहे वह मैथ है, चाहे वह रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जीके, कुछ भी है, ठीक है। दैन फरदर ऑफलाइन क्लासेज जो अटेंड कर सकता है बहुत बेस्ट है। दो अपने को एरियाज ने, दो अपने को सिटीज़ है, अबोहर एंड बठिंडा। अबोहर बठिंडा जो तुम्हें सुटेबल लगे, जो तुम्हें नेड़े लगे, उत्थे तुसी विजिट कर सकते हो, उत्थे तुसी अपने डेमो सेशन लगा के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अपने कोल अबोहर दे विच एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर बिश्नोई मंदिर ते, अपने बठिंडा दे विच स्ट्रीट नंबर 17-18 दो ब्रांचेस ने अजीत रोड उपर, ठीक है। तो अपने जिन्होंने ऑफलाइन लैनी है ऑफलाइन, जिन्होंने ऑनलाइन लैनी है ऑनलाइन, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। लाइव सैशन कला यह ना समझा जी कल लाइव सैशन ही मिलेंगे, तुम्हें मैं सारा समझा दिना। लाइव सैशन के नाल तुहाडे कोल अपने जिन्हें भी अपने सब्जेक्ट होंगे उन्होंने एम सी क्यूज, मतलब उन्होंने टैसट चलेंगे, उन्होंने एम सी क्यूज चलेंगे, उन्होंने टैसट चलेंगे, उन्होंने डाउट सैशन चलेंगे। जो एग्जाम आएगा, जिनी भी एग्जाम की डेट होगी, असी एक हफ्ते पहला ट्राई करांगे पूरा सिलेबस करन दी, कवर करन दी। दैन फरदर तुहानू तुहाडे लई रहणगे मोक टेस्ट, सारे दे सारे मोक टेस्ट रहणगे, बिकॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज मोक टेस्ट एंड एम सी क्यूज। चाहे अगर मेरे को अगर तुहाडा सब्जेक्ट होगा जी के, एक टॉपिक खत्म होगा नाल दी नाल एम सी क्यूज, चाहे दूजा सब्जेक्ट होगा एक टॉपिक खत्म होगा नाल दी नाल टेस्ट, एप्लीकेशन के उपर तुहाडे टेस्ट रहणगे, सारे दे सारे एम सी क्यूज रहणगे। फरदर जो भी तुहाडे मन दे विच क्वेरी होए, कोई भी क्वेरी होए किसी भी तरह की, सुधीर सर नाल तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो 1745300046। अगर डेमो सैशन देखने हैं 31st of August तो यूट्यूब उपर डेमो सैशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बाकी क्लासेस देखनी है गुरुकुल अबोहर की एप्लीकेशन, तुसीं प्ले स्टोर तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वह है गुरुकुल अबोहर, गुरुकुल अबोहर, एंड उपर तुसी डेमो सैशन देख सकते हो। बाकी जिन्या भी तुहाडियां लाइव क्लासेस होणगियां सारी दियां एप्लीकेशन के उपर लगनगियां, जिन्या भी नाल असाइनमेंट्स होणगियां, स्टडी मटीरियल होएगा, टेस्ट होणगे, एमसीक्यूज होणगे, तुहानू एंदे उपर ही प्रोवाइड होंगे, ठीक है। बाकी फरदर कोई भी दिमाग दे विच क्वेरी आए, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 7453300046। ओके, थैंक यू सो मच।